Hey guys, welcome to my channel. Today I'm gonna review on Blue Heaven non-transfer lip color. मेरे पास ये तीन शेड्स है. Blue Heaven liquid lipstick का ये एक liquid lipstick है और इसका packaging दिखने में ऐसा है. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है इसका packaging, एक plastic bottle है ये और आपको लगता होगा कि यहाँ से open करता है इसे. यहाँ से ओपन करके ये प्लास्टिक है. एक्चुअली में ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिपस्टिक बुलेट में नहीं आता है, ये लिक्विड लिपस्टिक है और इसे यहाँ से ओपन करता है. दिस इज द लिक्विड लिपस्टिक लुक्स लाइक एंड आप देख सकते हैं ये एप्लीकेटर काफ़ी टाइनी है और इसे लगाने में काफ़ी आसान होता है. ये एप्लीकेटर जितना ज़्यादा बड़ा होता है तो लगाने में काफ़ी तकलीफ होता है, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है तो हमारे लिप्स के जो ये शेप है इसमें लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. लेकिन ये एप्लीकेटर क्यूट सा शेप में आता है, इसे लगाने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होता है. आप देख सकते हैं मेरे पास ये तीन शेड्स है और मार्केट में ये लिपस्टिक आपको 6 शेड्स में अवेलेबल है. मार्केट में आप इसे लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं. इसका प्राइस है ओनली 205 रुपीज़. मार्केट में कहीं दुकान पे भी आपको ये मिल जाएगा, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर में आपको मिल जाएगा ये 205 रुपीज़ में. लेकिन नायका में अगर आप नायका से लेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस में आपको ये मिल जाएगा. मैं प्राइस के बारे में बाद में आती हूँ, तो पहले बात करती हूँ इसके 6 जो शेड्स है इसके बारे में. इसके जो शेड्स है उसका नाम कुछ इस तरीके का है. स्कारलेट रेड 01, सनसेट ऑरेंज 02, रेसबेरी लव 03, ब्रिक रेड 04, न्यूड लिप्स 05 एंड पंक मेरून 06. मेरे पास इसका जो शेड्स है ये है पंक मेरून मेरे पास है और रेसबेरी लव भी मेरे पास है और ब्रिक रेड. ये तीन शेड्स मेरे पास है और मुझे लगता है कि इसका जो शेड्स रेंज है उस शेड्स रेंज में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर जो होता है ना वो सारे ये तीन कलर हैं. इसके अलावा जो कलर है एक न्यूट सा कलर को मिलता है जो ब्राउनिश शेड में आता है और ब्राउनिश शेड से और भी दो शेड्स हैं. वो सारे शेड आपको थोड़ा सा लाइट पिंक में या ऑरेंज कलर में मिल जाएगा. तो ये जो तीन कलर है ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है. मैं आप देख सकते हैं मेरे लिप्स पे अभी ये रेसबेरी है और मुझे लगता है कि ये नॉन ट्रांसपर लिप कलर के जो सारे शेड्स है उनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है ये रेसबेरी लव. अब आते हैं इसके टेक्सचर के बारे में. तो इसका टेक्सचर जो है ये लगाने में काफ़ी आसान होता है, स्मूथ टाइप का है और मैंने अपने हाथों में भी ये लगाया है तो देख सकते हैं काफ़ी पिगमेंटेड भी है. मैंने अपनी लिप्स के नीचे कॉन्सीलर लगाया है, लेकिन अगर आप कॉन्सीलर नहीं भी लगाएंगे तो ये शेड काफ़ी पिगमेंटेड है और ये वाटरप्रूफ भी है. एक्चुअली मैं इसे आज ही ख़रीद के इसका आज ही रिव्यू बनाने नहीं बैठ गई. मैं करीबन 3-4 महीने से इसे डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, तब जाके मैं आज इसका रिव्यू बना रही हूँ. तो डेफिनेटली मैंने देखा है, इसे लगा के मैं बाहर बहुत ज़्यादा खा भी लिया, लेकिन बाद में आती है उसके बारे में. ये वाटरप्रूफ है और ये किस प्रूफ भी है. एज यू कैन सी मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करता है. आपके लिप्स को बिल्कुल मैटिफाई कर देता है, मतलब मैट लिपस्टिक के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जाता है इस लिपस्टिक के बारे में. बिल्कुल मैट है, किस प्रूफ भी है, वाटरप्रूफ भी है, तो जाहिर सी बात है कि स्वेट प्रूफ भी होगा. मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायर डेट लिखा है, आप ये देख सकते हैं. ख़रीदने के वक्त ज़रूर इसे देख लीजिए और नीचे यहाँ पर शेड की कलर लिखा, शेड की नेम लिखा है यहाँ पर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप कौन सा शेड खरीद रहे हैं. एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप किसी और शेड को ऑर्डर किया है और कोई और ही शेड आपको डिलीवर किया है उन लोगों ने, तो उस वक्त आपको ये देख लेना ज़रूरी है कि सही शेड जो आपने ऑर्डर किया वही आपको डिलीवरी दिया है या नहीं. तो अब आते हैं इसके प्राइस के बारे में.
तो मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि इसका प्राइस है 205 रुपीज़, जो है मार्केट प्राइस। अब मार्केट में किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर में जाएंगे तो इसे खरीदने के लिए आपको 205 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो नायका या अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या पर्पल किसी भी वेबसाइट में आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। तो अभी जानते हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस कितना ज़्यादा डिस्काउंट होता है। तो मैं पहले बताती हूँ नायका के बारे में, क्योंकि मैंने ये जो शेड से ये तीनों शेड मैंने नायका से लिया है और एक बार में नहीं लिया है। एक्चुअली किसी भी लिपस्टिक मैं एक बार में एक से ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। एक खरीदती हूँ, फिर देखती हूँ लिपस्टिक का क्वालिटी कैसा है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, एक्चुअली में ये पिगमेंटेड है या नहीं, किस प्रूफ वाटर प्रूफ, सारे टेस्ट करके फिर अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं और भी सारे शेड्स ऑर्डर करती हूँ। तो इसके बारे में भी वही किया मैंने। पहले इसका जो रेसबेरी लव है ये मैंने खरीदा था नायका से, जो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में 185 रुपीज़ पे करना पड़ा था। 185 रुपीज़, ये काफ़ी वक्त पहले का बात कर रही हूँ मैं। तो अभी नायका में अगर आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस 175, मोस्ट प्रोबेबली आपको 175 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप अमेज़ोन से ले रहे हैं या फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो आपको 130 रुपीज़ से 182 या 205 रुपीज़ पे करना पड़ेगा शायद। लेकिन और एक बात है, जो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट में अगर आप इसे ऑर्डर करेंगे यहाँ से तो आपको शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो फ्लिपकार्ट में शायद 65 रुपीज़ है और अमेज़ोन में शायद 50 रुपीज़ है। तो नायका से अगर आप खरीदेंगे तो 500 रुपीज़ से ऊपर अगर आप ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी फ्री मिलता है, फ्री में मिलता है। और एक बात जो है वो प्राइस के बारे में ही है। एक्चुअली नायका से मैंने इसका जो दो शेड से पंक मरून एंड ब्रिक रेड, ये मैंने 51 रुपीज़ में खरीदा था। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उनका प्राइस जो था वो काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट किया था और 51 रुपीज़ आ गया था। तो मैं देख के काफ़ी हैरान हो गई थी कि 51 रुपीज़ में ये सेल में दे रहे हैं, तो चलो क्यों ना और भी शेड्स मैं ले रही थी। लेकिन एक बात था कि वो सारे शेड आपको 51 रुपीज़ में नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक शेड जो है ब्रिक रेड ये 51 में मिला था। तो मैंने इसे भी ऑर्डर कर दिया और बाद में फिर किसी एक दिन मुझे ये पंख मरून शेड 51 रुपीज़ में मिल गया, तो मैंने इसे खरीदा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नायका में आप एक काम कीजिए, इसे अपनी विश लिस्ट में ऐड कर लीजिए और थोड़ी दिन बाद बाद इसे खोल के देखते रहिए कि कब इसका प्राइस फॉल होता है। और कभी कभी वेबसाइट में ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, तब उस वक्त में अगर इसे खरीदेंगे तो और भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अभी तक मैंने जो सारे बात की वो सारे थे इस ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफर लिप कलर के पॉजिटिव साइड। अब मैं बताने वाली हूँ इस लिपस्टिक के नेगेटिव साइड। इसका कुछ नेगेटिव साइड भी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं इस लिपस्टिक को खरीदने के वक्त जितना ज़्यादा एक्साइटेड थी, अभी मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ इसे लेके। तो आप कह सकते हैं कि इसे मैं शायद वर्स्ट भी कह सकती हूँ। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। एक्चुअली मैंने इसे विंटर टाइम में ख़रीदा था और विंटर में क्या होता है, हमारे लिप्स को और ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होता है और उसके लिए हमको लिप बाम या अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी की कोई लिपस्टिक यूज़ करना पड़ता है। हाँ, एक बात है कि विंटर टाइम के लिए लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ सारे लिक्विड लिपस्टिक है जो एक्सट्रीम ड्राई होता है और वो सारे लिपस्टिक आपकी लिप्स को बिल्कुल ड्राई कर देता है और शायद ये ऐसा फील होता है कि अंदर से खींच रहा है। तो ये लिपस्टिक उन लिपस्टिक में से जाता है। इसे अगर आप विंटर टाइम में लगाएंगे तो ये बिल्कुल ड्राई कर देगा आपके लिप्स को। इनिशियली आपके लिप्स को ये उतना भी ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा, लगाने के 5 या 6 मिनट बाद आप ये फील करेंगे कि मेरी जो लिप्स है ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और इसके जो इस सारी एरिया में लिप्स में एक इरिटेशन फील होता है,
तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाँ, आप अगर इसे अच्छी तरह से लिप बाम से मॉइस्चराइज करके लिप्स को फिर अगर आप इसे लगाएंगे तो शायद ये 5-6 मिनट का गैप जो है ये आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे में चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसे लगाने से पहले, अगर आपके पास ये है तो आप इसे लगाने से पहले अपनी लिप्स को कुछ गुड क्वालिटी के जो लिप बाम होता है उनसे आपकी लिप्स को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लीजिए, फिर आप उसके ऊपर इसे अप्लाई कीजिए। मेरी मानिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसके नीचे आप कंसीलर ना लगाएं, क्योंकि कंसीलर लगाएंगे तो लिप्स को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज नहीं कर पाएंगे। तो ब्लू हेवन का एक लिप बाम आता है जो ऐसे गोल शेप में आता है, आप उसे लगा सकते हैं, उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैं अपनी अपनी किसी और वीडियो में उसका रिव्यू आपको बना दूंगी। तो वो ब्लू हेवन लिप बॉल आई थिंक उसका नेम है, तो आप उसे खरीद सकते हैं, उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और बहुत थिक है, तो आपको, आप अगर लिप्स में लगाएंगे तो काफ़ी मॉइस्चराइज होगा लिप्स, तो उसे आप खरीद सकते हैं। या फिर बायोटिक का एक मैंने अपनी किसी वीडियो में दिखाया है, शायद बायोटिक वाली वीडियो में मैंने दिखाया है, बायोटिक का एक लिप बाम आता है जो आप खरीद सकते हैं, उसका जो फॉर्मुलेशन है वो भी काफ़ी थिक है और उसे लगाने से आपको लिप्स आपकी लिप्स को काफ़ी अच्छी तरह से आप मॉइस्चराइज कर पाएंगे। तो बायोटिक, ब्लू हेवन, मेबलिन के लिप बाम मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेबलिन का जो लिप बाम है उसका फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी थिन टाइप का होता है तो जल्दी पे ऑफ हो जाता है। और एक बात जो बताने वाली थी मैं, हाँ, इसके बारे में बात बात कर रही थी, तो समर टाइम विंटर टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, समर टाइम के बात करेंगे। अब आ गया है अभी समर टाइम, तो आप इसे समर टाइम में ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हैं। समर टाइम में यूज़ करने से आपका जो इस एरिया में प्रॉब्लम हो रही थी विंटर टाइम में वो सारे नहीं होगा, और लिप्स को मॉइस्चराइज करके फिर से लगाइए, समर टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। समर टाइम में आप इसे रेगुलर बेसिस में लगा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बताती हूँ, अगर आप पूरे दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे यूज़ ना करें तो ही बेहतर, क्योंकि पूरे दिन के लिए जब जाएंगे तो लिप्स शायद अच्छी तरह से मॉइस्चराइज नहीं हो पाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लिप बाम भी अपना काम करना बंद कर देता है, तो तब आप फिर बाहर कहीं रहेंगे तो इसे उठा के फिर से अप्लाई करेंगे, ऐसा काफ़ी वक्त पॉसिबल नहीं होता है। तो पूरे दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे ना लगाए तो ही बेहतर। बस इसके बारे में और कुछ नहीं कहना है मुझे। चलिए स्वाचेस देखते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. गाइज, ये था आज का वीडियो, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए।